हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं यार आप सभी को बताने वाला हूँ PUBG मोबाइल ग्लोबल वर्जन 3.4 वर्जन में कैसे अपडेट कर सकते हो लेटेस्ट वर्जन में। एंड अपडेट आप लोग कर लोगे यहाँ पर विदाउट VPN, गेम भी चलने वाला है आप लोग का। एंड सारी चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से आप लोग को अपडेट करना है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो है अलग अलग आप लोग को जो है नए नए फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं। गेम भी आप लोग को यहाँ पर चालू करके दिखा देते हैं कि गेम हमारा यहाँ पर कैसा चल रहा है, क्योंकि विदाउट VPN हम लोग का गेम यहाँ पर चलने वाला है। आप लोग को ट्रिक वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से आप लोग को अपडेट डाउनलोड सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो वीडियो आप लोग को सिंपली पूरी देख लेनी है, छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं। यहाँ पर आप लोग को सारी चीजें पता चल जाएगी। अब यहाँ पर आप लोग जो है मेरी MS चेक कर सकते हो, 40 की MS हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा है क्योंकि मेरी 20-25 रहती है। अभी आप लोग चेक करें 28 है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं 20 के MS जो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी हम लोग को जो यहाँ पर MS देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा जो है विदाउट VPN गेम चल रहा है भाई। आप लोग को यहाँ पर दिखा दें, अभी गेम को कट कर लेते हैं, अभी बाद में गेम जो है आप लोग खेलेंगे। अभी आप लोग को जस्ट बता रहे किस तरीके से आप लोग अपडेट डाउनलोड सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर MS आप लोग चेक करें, काफ़ी ज़्यादा है, वैसे मेरी 20-25 जैसे रहती है, मैंने आप लोग को बताया। और यहाँ पर जो फीचर्स है आप लोग को बताएं, इस तरीके से कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है, अलग अलग जो मोड्स आए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक न्यू अरीना भी आया हुआ है, आप लोग यहाँ पर चेक करें तो अरीना एक न्यू मैप आया हुआ है, और ये मोड्स आप लोग चेक कर सकते हैं, साइनो क्लिविक वगैरह में सब में आया हुआ है। और कुछ सेटिंग्स भी हैं जो नए आए हुए हैं आप लोग को बता दें, पिकअप के अंदर एंड कंट्रोल्स के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ है, आप लोग वो सारी चीज़ें बाद में चेकआउट कर सकते हैं। MS आप लोग अभी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आप लोग अपडेट या डाउनलोड कर सकते हैं, वो चीज़ आप लोग को चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं किस तरीके से आप लोग को अपडेट करना है या फिर डाउनलोड करना है, कहीं आप लोग करना चाहें तो उसके लिए आप लोग को बताऊंगा। लिंक जो है आप लोग को एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को चले जाना है, सिंपली यहाँ पर जो है आप लोग को एक ज्वाइन का बटन देखने को मिलेगा नीचे, जहाँ पर मेरा मैसेज का ऑप्शन है, तो आप लोग को वहाँ पर ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी लीक्स, न्यूज़, अपडेट एंड सारी चीज़ें बताता हूँ, डालता हूँ, अपडेट जो भी आते, 3.3 की बात कर लो, 3.2 की बात कर लो, उससे पहले के जितने भी अपडेट्स हैं सारे अपडेट्स यहाँ पर आप लोग को मैंने डाला हुआ है, और आगे भी आप लोग को अपडेट मिलते रहेगा। तो आप लोग को ज्वाइन कर लेंगे, आपका यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पर बात करें 3.4 अपडेट की, तो यहाँ पर आप लोग को जो है मैंने डाल के रखा हुआ है, ऑफिशियल अपडेट है। तो आप लोग को सिंपली यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर दिखा देते हैं, इस तरीके से कुछ डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो 3.4 वर्जन का जो अपडेट रहेगा लेटेस्ट वाला, नीचे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा इसको। तो सिंपली आप लोग को डाउनलोड पर क्लिक करना है, डाउनलोड करना है, उसके बाद आप लोग इसके ऊपर क्लिक करें एंड इंस्टॉल कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग को जो है इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिर आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है, तो यहाँ पर अपडेट या इंस्टॉल आप लोग को लिख कर आ जाएगा। कहीं आपके पास पहले से ही गेम होगा तो अपडेट पे आप लोग को क्लिक कर लेना है, और अब गेम नहीं होगा तो इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है। अब आप लोग का गेम जो है नॉर्मली जो है गेम नहीं चलता है, आप लोग को जो है रेस्ट्रिक्ट एरिया वाला कोड देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा जहाँ पर गेम नहीं चलता है वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कोड वाला अपना जो है एक एरर आता है जब आप लोग गेम ऑन करते हैं, तो रेस्ट्रिक्ट कोड वाला कहीं आप लोग को कोड आता है, कहीं एरर आता है, तो सिंपली आप लोग को गेम को डिलीट करके फिर यहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना होगा। एंड कहीं रेस्ट्रिक्ट कोड वाला नहीं आता है, लोडिंग वगैरह हो रहा है, दूसरे एरर्स आ रहे, तो उसको आप लोग फिक्स कर सकते हो DNS से इजी। और DNS कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो वो चीज़ आप लोग को यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो सिंपली आप लोग के पास कोई भी एक ब्राउज़र होना चाहिए, गूगल ब्राउज़र पर आप लोग चले जाएँ, जैसे कि यहाँ पर गूगल पर जाएँ आप और यहाँ पर आप लोग सर्च कर लें। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं GW गेमिंग आप लोग को सर्च कर लेना है, कुछ इस तरीके से गूगल पे GW गेमिंग हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को पहली वेबसाइट देखने को मिल जाती है GW गेमिंग की। आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप लोग को चले जाना है। एंड यहाँ पर आप लोग को जाने के बाद कुछ इस तरीके से आई थिंक अभी हम लोग को जो है एक ये देखने को मिल रहा है एरर, तो हम लोग वापस से करते हैं, इजी आप लोग का हो जाएगा। एंड उसके बाद जो आप लोग को पहला पोस्ट देखने को मिलेगा, जस्ट आप लोग को पहले पोस्ट पे क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद जो आप लोग को यहाँ पर कट करना है या फिर उसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पर बहुत सारी जो है पोस्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह, आप लोग चाहें तो सारी चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। एंड यहाँ पर टेक्स्ट कोड देखने को मिल जाता है, टेक्स्ट कोड आप लोग चेक करें, यहाँ पर टेक्स्ट कोड लिखा हुआ है, उसके नीचे आप लोग को जो है ये कोड देखने को मिलेगा रेड कलर में, आप लोग चेक कर सकते हैं इसको, ही आप लोग को कॉपी कर लेना है। सिंपली आप लोग इसके ऊपर टैप एंड कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग चेक करें, मैंने टैप किया यहाँ पर और हमारे यहाँ पर कॉपी हो गया है। अब इसको कॉपी करने के बाद सिंपल आप लोग को फ़ोन के सेटिंग्स में चले जाना है। अब ये जो अपना ट्रिक है ये सिर्फ एंड्रॉयड में वर्क करता है, आप लोग को बता दें iOS के अंदर आप लोग को VPN लगा कर खेलना पड़ेगा, iOS के अंदर नहीं होता है। अब यहाँ पर नेटवर्क या इंटरनेट में जाना है, यहाँ पर आप लोग को जो है DNS का सेटिंग देखने को मिल जाता है। अब जिनको सेटिंग ना मिले वो सर्च का ऑप्शन होता है सभी के फ़ोन्स में, सर्च के ऑप्शन पर जाना है यहाँ पर आप लोग को, एंड यहाँ पर आप लोग को सर्च कर लेना है DNS। यहाँ पर आप लोग को DNS का सेटिंग आप लोग को ये ढूंढ के दे देगा, फिर आप लोग यहाँ पर ये ऑफ होता है, इसको आप लोग को जो है ऑटोमेटिक पे नहीं रखना है, इसको आप लोग को कस्टमाइज पे डालना है, और यहाँ से जो है आप लोग को
होस्ट नेम डाल देना और इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं और इसको आप लोग ऑन रख सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप लोग इसको ऑन रखना चाहें तो हमेशा ऑन रख सकते हैं, या फिर आप लोग जब गेम खेलना है तब ऑन करना चाहें तो गेम ऑन करने के टाइम भी ऑन कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपकी आईडी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं सालों से ये ट्रिक यूज़ करता हूँ एंड बहुत सारे बंदे यूज़ करते हैं, मैंने बहुत टाइम से बताया हुआ है सबकी। बहुत सारे बंदे मुझसे पूछते हैं कि भाई यूसी कैसे परचेस करते हो आप, तो यूसी परचेस करने का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि आप लोग यूसी कैसे परचेस कर सकते हो पबजी मोबाइल में, तो वो मेरी वीडियो चेक कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप लोग मेरी वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें थी, आप लोग को सिंपली गेम को डाउनलोड करना है, DNS यूज़ करना है, आप लोग इजिली गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हो, विदाउट VPN आप लोग का गेम चल जाएगा और जैसे जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में बतानी थी। कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर देना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।